स्वागतम। आज आने वाली है यहाँ हंसी की बारात हमारे शादी स्पेशल में। वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आज इस शादी में एक ऐसी दुल्हन आने वाली है जिसको देखकर हर लड़का कहता है अय्या। प्लीज वेलकम अय्या फिल्म की दुल्हन द गॉर्जियस द वेरी ब्यूटीफुल रानी मुखर्जी। थैंक यू थैंक यू। वेल आपकी फिल्म जो आ रही है अय्या, इट्स ऑल अबाउट द शादी और आज हमारा भी शादी का स्पेशल एपिसोड है, तो बताइए आपकी फिल्म में किस तरह की शादी होने वाली है? एक्चुअली मेरी जो फिल्म है इट्स ऑल अबाउट लव, बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है और ऐसी फिल्म है कि आप अपने पूरे परिवार को जाके ये फिल्म दिखा सकते हैं एंड यू विल ओनली एंजॉय, इट्स दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। ब्रिलियंट। वेल आई एम श्योर कि आपकी ये फिल्म तो पूरा इंडिया देखेगा। फिलहाल हमारी जो ये शादी की बारात यहाँ आने वाली है, आई होप आप इंजॉय करें इसे। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। प्लीज वेलकम ऑलराउंडर अजूबा भारती एज शहर की लड़की, सुनील ग्रोवर एज गांव की लड़की और हमारा न्यू टैलेंट विकास एज गांव का पति। हाय रानी, हाउ आर यू? एक मिनट, तुमसे बाद में बात करती हूँ। निकुल सर, व्हाट इज दिस? ये कॉमेडी सर्कस के अजूबे है कि कॉमेडी सर्कस की फिल्म प्रमोशन है? अरे कभी अक्षय कुमार, कभी करीना कपूर, कभी रणबीर कपूर और अब रानी मुखर्जी। चलिए, तो बहुत बड़ी स्टार है। मैंने सुना है कि अगली बार ये मलिका शरावत भी आ रही है। मुझे एक बात बताओ, ये कॉमेडी सर्कस हम लोग चला रहे हैं कि ये फिल्म के स्टार चला रहे हैं? हाँ, वही लोग चला रहे, तेरे को कौन जानता है मोटी। एक्चुअली मैं और निकुल बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो ऐसी मस्ती चलती रहती है। बाद में बताऊंगी टकले तेरे को। 5 साल से मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरा खुद का घर खुद की गाड़ी है, लेकिन गांव से कोई भी मुंह उठा के इधर आ जाता है। ओ गॉड, अभी मम्मी का लेटर आया है कि मेरी कोई गांव से छोटी बहन आ रही है, कोई चाचा जी की लड़की, ना जान ना पहचान, मैंने कभी भी नहीं देखा अर्चना जी। मम्मी ने कहा कि वो अपने पति के साथ आ रही है, नई नई शादी हुई है। मैंने घर बनाया, कोई हनीमून लॉज थोड़ी। दीदी जी, देखो ध्यान से। अरे कौन हो तुम? रुको, आप पहचानो? पागल हो, गवार लड़की, खड़े भी नहीं पहचानी तो बैठे भी कैसे पहचानूंगी। दी लास्ट टाइम जब आपने मुझे देखा तब मैं इतनी सी थी। तुम्हारा नाम क्या है? गुत्थी। देखो गुत्थी, तुम शहर में आई हो, पहले अपना नाम चेंज करो। सोहेल खान को पता चल गया ना तो इधर वैनिटी में सुलझा देगा। दीदी पॉसिबल है? शट अप। मम्मी ने लेटर पे लिखा था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। हाँ दीदी। लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? दीदी वो बाहर गाड़ी साफ कर रहे हैं। शक्ल और कपड़ों से लगता नहीं तुम लोगों के पास खुद की गाड़ी होगी। दीदी हमारे पास गाड़ी है भी नहीं, हम तो टैक्सी से आए हैं। हाँ दीदी, वो तो टैक्सी साफ कर रहे हैं। वो क्या था ना दीदी कि हमारे पास ना किराए के लिए पैसे नहीं थे, 100 रुपए बनते थे, 50 रुपए की तो मैंने टैक्सी वाले को चुम्मिया दे दी। बाकी दीदी मैं बाबे थक गई, तो मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मेरे पति से वसूल ले। उसने उसकी शक्ल देखी, कहता जा जा तू तो गाड़ी साफ कर चल। एक्सक्यूज मी, अगर तुम सोच रही हो कि तुम जैसी गवार लड़की और तुम्हारे पति गवार के साथ मैं इस घर में रहूंगी तो तुम गलत समझ रही हो, समझे? जूस मी। जूस मी? दीदी अभी आपने बोला ना मुझे जूस। एक्सक्यूज मी। हाँ दीदी वही। दीदी मेरे को ठीक कराने के लिए थैंक यू, माई प्रेशर दीदी। प्रेशर? हाँ दीदी। ओ गवार लड़की, माई प्रेशर नहीं होता, माई प्लेजर होता है। दीदी मैं हर बार गलत नहीं होती, मुझे वाकई प्रेशर लगा हुआ है। टॉयलेट कहाँ है? गॉड, देखो वो लेफ्ट में रूम है, उसके पीछे एक कमरा है, वहाँ लेफ्ट में बाथरूम बना है, जाओ वहाँ पे। हाँ इतनी दूर, आउट ऑफ टाउन, आज मन नहीं है, फिर कभी आया तो कर लूंगी दीदी। ओ गुत्थी, अरे हैं अरे, मतलब मुझे वहाँ छोड़ी आई, सारे मैं टैक्सी साफ करूंगा, तू इसके साथ में लेवल 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 कर रही मोटी के साथ। तूने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये है कौन? इतनी भी ड्रामेबाज मत बनो, आपको पता तो है कौन है, पिछले 5 एपिसोड से आपके सारे एक्ट यही तो खराब कर रहे हैं। चल दीदी के पांव पकड़ ले। बदतमीज गवार, तुम लोग को पता नहीं है कि किसी ने छोटी स्कर्ट डाली हो तो कैसे पकड़ते हैं? जूस मी। क्या बात है दीदी, हम आपके घर पे 10-15 साल रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बिहेव करो मेरे पति के साथ। 15 साल? 10-15 साल क्यों? इससे कम में तो हमसे होगा भी ना दीदी, काम धंधा करने के लिए आए हैं, काम करेंगे मैं धंधा। दीदी ये सब छोड़ो, मुझे थोड़ी सी ये चाय वही पिलाओ दीदी, थक गई हूं। चाय चाय, मैं भी चाय 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 चाय। चल जा फिर 3 कप चाय बना के ला। चल मैं बनाऊंगा चाय। हां एक्ट खराब कर
करने से अच्छा जाके चाय खराब कर। चल गुत्थी, तुम किसी काम के नहीं हो, क्या करोगे शहर में? Excuse me, मैं बहुत अच्छा गाना गा लेती हूँ। तुम पागल हो, घटिया गवार लड़की, कुछ वेस्टर्न आता है? वेस्टर्न में आता तो है दीदी, लेकिन धोने में बड़ी तकलीफ होती है। कमोड़ की बात नहीं कर रही, वेस्टर्न डांस आता है? डांस दीदी, रामबा सांबा सालसा, ये तीनों नहीं आते दीदी मेरे को, ब्रेक डांस आता है। चल वो ही करके बता। Hey, are you ready for break dance? Bug it up. पूरी उठ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाके रेस्ट करो, जाओ। दीदी कहाँ पे रेस्ट करूँ? वो कॉर्नर में कमरा है, वहां जाके सो जाओ। दीदी अकेले में मुझे बहुत डर लगता है दीदी, घर पे कोई नौकर नहीं है जो मेरे साथ सो जाए? ऐसे कैसे सो सकती हूँ उसके साथ? ऐसे कैसे नहीं सोऊंगी मैं, तो सिर्फ उसके ऊपर ना टांग रख के सो जाऊंगी। छी, नीचे करो सलवार, नीचे करो। क्यों दीदी? कितने गंदे टांग है तुम्हारी, कितने बाल देखो। दीदी मानसून में आ जाते हैं। मानसून में क्या करोगी मुंबई आके? दीदी ये क्या किया तुमने अभी? इस शहर में मुस्कुरा भी नहीं सकते ढंग से, बताओ। ये तुम मुस्कुराए थे? हाँ दीदी। तो हंसते कैसे हो? हंस के दिखाऊं दीदी? हाँ दीदी, हंस हंस के मेरा पेट दुख गया, और नहीं हंसा जाता। So talented. मेरा फोटो खिंचाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरा भी। रानी पहली बार कॉमेडी सर्कस में आई है और पता नहीं दोबारा कब आए। मैम प्लीज एक फोटो। एक फोटो प्लीज। अब अर्चना मैम से फोन लेके हम दोनों बहनों का फोटो खींच दो प्लीज। अबे मोटी, फैमिली मेंबर बाहर है जो मैन आदमी है, तू यहाँ फोटो खींचा। चल जाके चाय बेच तू, चल। ये कोई बात है, हम चाय बेचने आए, ऑडिशन कर करके लाए चाय बेचने के लिए। हम भी टैलेंटेड हैं। बहुत टैलेंटेड है मैम। रानी मैम इतने टैलेंटेड कि 5 एपिसोड में उन्होंने जगह जगह टैलेंट किया है अपना। सिद्धार्थ की तबीयत खराब होने की वजह से आज सुनील ने भारती का साथ दिया है यहाँ पर। तो अर्चना जी कैसा लगा आपको ये? भारती एज ऑलवेज यू आर Fabulous, Sunil, you were fantastic, super. चलिए पूछते हैं आया की मीनाक्षी से कि आया फिल्म जितना पागलपन था इस एक्ट में? Absolutely था. Actually, Sunil, you were so good. I have become your fan here. Thank you. Outstanding in the act. Fantastic. So here. I really want to compliment Sunil. You were so good. You were so good that I didn't miss Siddharth. Thank you. Archana, we'll start with you. This is one extra mark for Sunil, only you. Nice. Thank you. So here? I'll go for the same. Thank you so much. एक भिकारी भिकारन सुहाग रात के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और क्या क्या सह रहे हैं, चलिए देखते हैं। Please welcome तेजतर्रार अजूबा मंत्रा as भिकारी, पूर्वी एज भिकारिन और हमारा न्यू टैलेंट राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। सॉरी कट प्लीज, एक्ट शुरू नहीं हुआ अभी। नमस्ते, मैं तो केवल आपको नमस्ते बोलना है क्योंकि कपड़े मेरे ही हैं। साल भर से ऊपर हो गया कॉमेडी सर्कस में काम करते करते, ये होना तो लाजमी था। बाहर सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। सोहेल भाई को भी देखो, वो टी शर्ट के अंदर उनकी भी बनियान फटी हुई है। बहुत मुश्किल से ना पड़ोस वाली चौराहे पर ना एक मेरी आइटम रहती है घमोरी, उसको ना मैं पटाया, आज अपना स्वागत रहते उसके साथ में। आप लोग थोड़ा मेरे को टेंशन मत देना रे, ये घमोरी मैं तैयार है रे। वो आई करके मेरे को भूल गया तू? अरे नहीं रे, मेरी आइटम, मैं उसकी बात नहीं, मैं तो तेरे को रानी बोल रहा था रे। ये सुनना, तू तो जानती मैं तेरे से कितना लव करता है, मैं तेरे से कुछ बोलना चाहता है। बोल। दिल से बोलेगा। बोल। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे जी बाबा। सॉरी मैं थोड़ा करियर कॉन्शियस हूँ, बार बार करियर सामने आ जाता है। ए, ए, चलना हाँ। अपन स्वागत बनाते ना यार। रेडी है स्वागत बनाने को? रेडी। चला अभी। ओके रेडी। एकदम वन टू थ्री। ए घनसू। क्या हुआ रे गमोरी? इधर आ। चले, तू तो मेरे को बोला था कि घमोरी डार्लिंग हम स्वागत अब्रॉड में मनाएंगे। अरे नहीं रे घमोरी, तूने गलत सुना, मैंने बोला हम भिकारी हैं, हम स्वागत अब रोड पे मनाएंगे। अच्छा, मैं बोलता हूँ किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, जब भीड़ लगती है। आजा 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 आजा।
ए चलो 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 निकलो यहाँ से कौन 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 अरे ए, तुम लोग कौन है निकलो यहाँ से अरे धन्यवाद हवलदार साहब अच्छा हुआ आप आ गए हमें यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही थी हाँ। आप ऐसा करो आप यहाँ खड़े हो जाओ आपके पीठ पीछे हम बहुत कुछ कर लेंगे हाँ। ए बकवास बंद करो निकलो यहाँ से तुम दोनों ए साहब ये मेरी लुगाई है साहब कमोरी ए साहब छोड़ो ना ये सब टाइम वेस्ट और देखो ना साहब इतना लेट हो गया रात को घर जाना आपका बीवी वेट कर रहा होगा जाओ जाओ अकेली होगी मेरी बीवी कभी अकेली रहती नहीं है उसकी माँ बहन उसके साथ ही रहती है यार हम भिखारी आदमी साहब ज्यादा दे नहीं सकता लेकिन आप अगर जाएगा तो ये दिन भर का कमाई 100 रुपया रखो ना इसकी क्या जरूरत थी पर ध्यान रखना कि पुलिस ना आ जाए पुलिस ना आ जाएगा क्या मतलब तू कौन है अरे मैं तो पोस्टमैन हूँ यार ये डंडा तो मैंने रखा कहीं कुत्ता ना पड़ जाए जहाँ जाना है आपको जाओ साहब प्लीज अरे यार दिल तो चाहता कि जो तुम करने लगे 2 मिनट रुके देख लूँ फिर सोचता हूँ तुम लोग कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए यार सब डिस्टर्ब हो रहे हैं इस वक्त यहाँ पर हाँ। आप अपनी एग्जिट लेंगे प्लीज 3 लाइन पहले आपकी एग्जिट कैसा कैसा लोग मिल जाता है इधर एक बार चौराहे पर ये कॉमेडी सर्कस का प्रोड्यूसर है रानी साहिबा वो विपुल डीशा वो मिल गया हमें दे दे बाबा बोलता अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा तो तू क्या करेगा मैंने बोला साहब मैं तो खुशी के मारे मर जाऊंगा तो ले जान नहीं देता तेरी जान बख्शी अपना बात करना रोमांस का इनको बताए अपन लोग काम लेते हेलो सबके सामने बोल ना रे बैंड्रा में गैलेक्सी के सामने मैं सलमान से भीख मांग रही थी मैं सोहेल से भीख मांग रहा था अरे सलमान ने मेरे को क्या भर भर के पैसा दिया सोहेल ने 2 फूटी कौड़ी भी ली थी मेरे को बिना कुछ बोले चले गए सलमान अपनी गाड़ी में सोहेल अपनी साइकिल पे बहुत दूर ले गया मेरे को ए पॉइंट पे आना मेरे से भी नहीं रुकते बन रहा चल 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 जल्दी अभी स्वागत मना लेते टॉमी अरे भाई साहब टॉमी मोती सबके सब इस वक्त सो गए कुत्ते इधर कोने में हट जाओ यार ए बचमिस टॉमी मेरे कुत्ते का नहीं मेरे सांप का नाम है यार आपका नाम टॉमी है अच्छा। सपेरा हुआ यार कोई रात को ऐसे सांप ढूंढने जाता है क्या ये क्या लॉजिक है राइटर का साला क्या लॉजिक है तू रहा सांप ढूंढ रहा कोई जाता है 2 बजे देखा है तू लॉजिक दिया राइटर ने उसने बोला एक्ट में सांप होगा तो फाना आएगा आप ऐसा करो आप मेरे को वो कोई उसका हुलिया बता दो वो कैसे दिखता है वो ऐसे ऐसे करके चलता है बाकी के सांप का ऐसे चलते साले डब्बा हाथ में डब्बा चेक करो हाँ, उसके अंदर सांप है हाँ। अरे इसमें तो मैं अपना खाना रखता हूँ यार अच्छा बेवड़े तो सांप का रखता है इधर पॉकेट में अरे तुम्ही बेटा तू यहाँ बैठा था आई वॉन्ट ए किस जहर है के प्यार है तेरा चुमा बहुत टेम हो गया इससे पहले कि कॉमेडी सर्कस की शूटिंग जो पड़ोस में मोहन स्टूडियो में चल रही वो खत्म हो जल्दी चालू हो जाते हैं वरना पता चले वो यहीं से सब निकलेंगे हाँ, चल, 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 कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना रे हो गया ना हम लोग का कॉमेडी सर्कस सुबह होते ही पैक अप नहीं मनानी मेरे को सुहागरात और सब लोग सुन लो और तुम लोग भी जज लोग हम लोग भिखारी है ना तो भी मार्क्स के लिए भीख नहीं मांगते सीधा रोने लगते अर्चना ये फुटपाथ की सुहागरात कैसी लगी आपको पहली बात तो मैं पूर्वी जब आप आई तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो एंड योर परफॉर्मेंस वाज सुपरलेटिव यू वर सो गुड मंत्रा आप हमेशा इफेक्टिव होते हैं आप बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं इस एक्ट में जितना था आपको करने के लिए यू डिड इट वेरी वेल यू वर इफेक्टिव एंड राजीव साहब जो भी आपको दिया गया था लिमिटेड था लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह किया सो दिस इज एन एक्ट वेयर द परफॉर्मेंसेस टुक इट टू द लेवल Writing could not take it to that level. अब पूछते हैं मीनाक्षी से यानी रानी से कि उनको ये एक्ट कैसा लगा I want to stand up and clap for Purvi. She was superb. Thank you, ma'am. Sohail. This act had nothing much to offer. Just goes to show that with a normal act, you can, y'all, with your talent, y'all can take it to the next level. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. अब स्कोर्स की बारी, Sohail, we'll start with you. One extra point for Purvi. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Please welcome E3 Ajoobe Krishna as Pinku, Bholi Surat Ajoobe Sudesh as his friend, or hamara naya talent Siddharth as ladki. Andhera mat karna. Andhere se mujhe dar lagta hai. Ek to andhera, upar se director Bansali no. Aaj mera swayamvar hai. Are, Keshto Mukherjee. Keshto Mukherjee nahi, Rani Mukherjee. Nahi, bagal wale ki baat kar raha hu. रानी मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी के बाद मैं ठीक हो जाऊँ। अरे मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा। गुलाम फिल्म देखी मैंने, उसमें आमिर खान भागा था ना आपके लिए ट्रेन के आगे, ऐसा मैंने भी किया था, लेकिन गलती से ट्रेन सामने से आ गई इसलिए ऐसा हो गया। और गुलाम फिल्म में क्या कहा था आमिर खान ने इनको, आती क्या खंडाला, इससे पहले वो पहुंचे मैं खंडाला पहुंच गया, लेकिन ये आई नहीं। फिर मुझे मगनलाल चिक्की वाली की बेटी के साथ वहां घूमना पड़ा। आपको पता रानी मैं आपसे शादी क्यों करना चाहता हूँ, प्यार तो करता हूँ रॉयल फैमिली। देखो रानी मुखर्जी नाम, भाई का नाम राजा मुखर्जी, एक भाई सम्राट मुखर्जी, क्या रॉयल फैमिली है। और एक इनको देखो, अर्चू बिट्टू बातू, क्या नाम है। खैर यहाँ पे बहुत सारी लड़की आने वाली, आज मेरा स्वयंवर है, मेरी शादी है, तालियां। हेलो पिंकू, कैसा है? मैं ठीक हूँ। हेलो पिंकू, सुनो, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? हो चुकी है। सुहागरात का मैंने बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है, तेरे लिए मैंने साड़ी बनवाई है और लड़की के लिए कुर्ता पजामा। ये तो उल्टा इंतजाम कर दिया तूने यार, उल्टा सीधा क्या, सुहागरात को तूने कपड़े पहने हैं यार। चलो लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? तेरे लिए गधा नहीं मिल रहा, घोड़े का इंतजाम कर दू, बैठ जाएगा। उसी की आज जैसी प्रॉब्लम है यार। चलो कभी कभी घोड़े को भी बाप बनाना पड़ता है, चला ले। ऐसे खाने पीने का क्या करना है यार, कितने बराती आएंगे? एक मिनट सोचने दे सालिया, कल इधर। वो जो अंबाले वाले चाचा हैं, वो उनको पता चला मेरी शादी हो रही है, वो परसों ही मर गए। और एक देहरादून वाली सड़ेली आंटी है, वो तो जज बनी हुई कहीं। और जो बांद्रा वाले बिरयानी चाचा है ना, वो तो चप्पल पहन के कहीं भी चले जाते हैं। ये कोई लगभग 2,500 लोग आएंगे। 2,500 लोग आ जाएंगे? आए, 2,500 नहीं, कम से कम 40-50 लोग तो आ ही जाएंगे। यार ये क्या 2,500 कहाँ, 40-50 कहाँ यार, अंदाजा नाम की भी कोई चीज होती है पाजी। अच्छा लड़की का नाम क्या है? लड़की पाजी आई नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरे दोस्त लड़की के लिए दुखी नहीं होना, मैं हूँ ना। नहीं नहीं मुझे बुड्ढों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नीड अ गर्ल। यार एक मिनट। हाँ। नहीं अच्छा ये बता, हाँ। लड़की तुझे कैसी चाहिए? लड़की बचपन से, आई हैव बीन वेरी रोमांटिक। बचपन से मैंने सोचा सपनों की मलिका हो, कोई हूर परी हो, पर लगा के उड़ के आए, मैं से शादी करूं। यार ये क्या पर, फिर इतना खर्चा क्यों करें, मेरे को 30 रुपए का तोता ला दूं। तोते से मैं शादी कर लेता, फिर पता कैसे चलेगा हम में से तोता कौन है। मेरी प्रॉब्लम मैं हल करूंगा। मेरे पास एक पुरानी गर्लफ्रेंड पड़ी है। पड़ी है? वो चलेगी? चलेगी, ठीक करा लेंगे। यार तू पागल है, वो ऐसी ऐसी नहीं है। हाँ। वो तो हजारों में एक है, 500 की कोई नहीं है अब। हेलो, हाँ शालू, किसके साथ हो? अरे यार छोड़ो उसको, खत्म करो, ये नहीं होना, तुम उसको फोन दो। सोहेल भाई यार क्या, किसके साथ हो यार? अरे आप उसका स्टैंडर्ड देखो, जिसको मैंने छोड़ा है वो क्या होगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आपको फोन दो। डार्लिंग क्या कर रही हो? अरे इसको कितना भी एंटरटेन कर लो, ये फिल्म में काम नहीं देगा, मेरे को पता है, ये टैलेंटेड लोगों को लेगा। सुनो तुम कहती थी ना इस बार शादी करूंगी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा, ओए होए होए, बड़ा ही हैंडसम है। सॉरी यार कहना पड़ता है। हेलो, शादी के लिए इतना एक्साइटेड है, मैं कहूँ शादी बिल्कुल नहीं करेगा, सीधा सुहागरात में ले जाएगा। आ जाओ तुम, देखो सुहागरात की बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं, जरा सा लेट होगी तो कहीं मेरे को ना अंदर ले जाए। जल्दी आ जाओ। ए ये लड़की शरीफ तो है ना? अरे लड़की इतनी शरीफ है, एकदम गाय है, कहीं आके गोबर तो नहीं कर देगी। ये पागल है यार। आप पाजी ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना लड़की एकदम गाय है,
तो ये गाय रास्ते में किसी ने आटा खिला दिया होगा। तुम काम क्या करती हो? मैं तबला बजाता हूँ। वाओ! तबला क्या होता है? अरे तबला नहीं जानती, तबला मतलब दो कटिंग ढोल। और हैप्पी बर्थडे कब आता है? 26 सितंबर। वाओ! अच्छा ईयर? एवरी ईयर। और सन? सन तू शादी कर ले, सन क्या डॉटर भी दूंगा तुझे मैं। ये लड़की भी हमारी बहुत टैलेंटेड है। हाँ। एक मिनट बेटी, जरा गाना सुनाओ। हाँ बस गला खराब हो जाएगा बस। देखा अब थोड़ा सा डांस हो जाए। देखा बेटा ये होता है टैलेंट। मेरे को इतना येड़ा समझा क्या तूने? मुझे तुम लोगों से शादी करनी नहीं है। आ, नहीं मेरे लिए रानी परफेक्ट है। रानी रानी मुझे हाँ बोल दो, नहीं तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। बोल दीजिए प्लीज। हाँ नहीं बोल। ये क्या कर दिया मेरा दोस्त, और पागल हो गया। हाय 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 रानी जी, वेलकम टू शो। मैं नॉर्मल हो गया है। ये क्या क्या आपने मेरे को कहा था मेरी शादी होगी इनके साथ? हम नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये तो नकली है, असली उधर से करवाते हैं। मैं भी नॉर्मल हो गई। अरे इससे पहले अब ये भी नॉर्मल हो, बजाओ। तो अर्चना, पिंकू की ये शादी आपको कैसी लगी? 3 सुपरलेटिव परफॉर्मेंसेस इन अ वेरी वेरी गुड एक्ट। लेकिन कृष्णा मेरे भाई, यू वर द डार्लिंग ऑफ दिस एक्ट। व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। पूछते हैं मीनाक्षी से, आपको हमारा दूल्हा पिंकू कैसा लगा? कृष्णा एंड सुदेश, आप लोग कॉमेडी सर्कस की जान हो। आपके पूरे एक्ट में मैं आई वॉज जस्ट लाफिंग कॉन्स्टेंटली। आई थिंक फॉर दैट यू ऑल नीड। अब पूछते हैं बैंड्रा के बिरयानी वाले चाचा से, सोहेल। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। And the voice Ajoobe VIP as various characters, Kiku as Behen, or hamara new talent Mohit as Bhai. Hi Rani Mukherjee, I'm Komal. वैसे मेरी marriageable age हो गई है ना, तो इसलिए अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने अपने बड़े भाई से कह दिया है कि I don't want any like type का लड़का। मैं शादी करूँगी तो कोई एकदम hero type, like hero hero type. Hey, बंद करो। Komal. ये क्या देख रहा हूँ तुम्हें? जाओ जाके तैयार हो के आओ। भैया तुमने अपने बड़े भाई को थप्पड़ मारा? भैया तुमने अपने बड़े भाई को लात मारी? अबे बड़ा भाई तो इस एपिसोड में बना है, पिछले 4 एपिसोड में छोटा भाई बन के एपिसोड जो खराब किए, एक्ट जो खराब किए, उसका क्या? बेवकूफ लड़की, तुमको मालूम है तुम्हारी इसलिए शादी कर रहा हूँ। जाओ जाके तैयार हो के आओ, लड़के वाले आती होंगे। मैं तो 3 साल से तैयार हूँ, कोई आए तो। एक काम कर, तू उससे शादी कर ले, ये हमेशा तेरे साथ साथ रहेगा। अब मुझे साथ साथ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 10-10, 10-10। बस ये 10-10 की बातें बंद करो। आदमी को अपने पैर उतने फैलाने चाहिए जितना उसके अंदर टैलेंट हो। ये से कह रहा हूँ उससे शादी कर ले, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल भी है इसके हाथों की, देख। मेरी हाथ से मजाक मत करो। ठीक है नहीं करते, पर आप ये बताइए कि आप हर वक्त अपने चेहरे पे इस तरह हाथ रखते क्यों हैं? क्योंकि मेरे पांव मेरे मुंह तक नहीं पहुंचते। भैया ये यो मेरा इतना मजाक उड़ा रही है और तुम देख रही हो, इतनी बेइज्जती। ठीक है अगर इतनी बेइज्जती आपको ठीक नहीं लग रही है तो थोड़ा अपना हाथ हटाइए, जरा अपना चेहरा तो दिखाइए ना। बहुत जिद्दी लड़की हो तो दिखा देता हूँ, ये लो। अबे रख ले, बच्ची डर रही है, क्या कर रहे हैं? ये क्या है भैया, इतना काला आदमी? क्या तुम लोगों ने मुझे काला कहा? तुम दोनों हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वो परंपरा खत्म हो चुकी है। आज भी हर लोगों के दिल में एक ही आवाज गूंजती है, मिमिक्री करना आता है। क्या कमाल है बाबा, मैं चलता हूँ। ये लड़का भी भगा दिया तूने, बहुत हो गया, अब अगला लड़का तुम्हें देखने आता ही होगा। हाँ आने दो अगले लड़के को, लेकिन अगर उसने भी अपने चेहरे पे इस तरह हाथ रखा ना भैया, तो मैं उसके दोनों हाथ काट दूंगी, काट दूंगी तो काट दूंगी दोनों हाथ। भैया कहीं तुम वही लड़की तो नहीं जिससे मैं हाथ मांगने आया हूँ?
पहले भगवान से अपने हाथ तो मांग ले। डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है, डॉक्टर ने मुझे दवा दी है, मैं रोज लगाता हूँ, कहता है स्वागत तक हाथ उग जाएंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। लेकिन भैया मैं इससे शादी नहीं कर सकती, आई डोंट लाइक हिम। क्यों नहीं कर सकती हो? हाथ छोड़ के सब कुछ है मेरे पास, घर में। कम बोलो। बहन तू ऐसा कर, इससे शादी कर ले, बेस्ट तेरी है। मालूम शादी के बाद तेरे 10-12 अफेयर भी होंगे ना, तो कभी तेरे पे उंगली नहीं उठा पाएगा ये। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मुझे अपनी बाहों में नहीं ले सकता, मेरे दोस्तों के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता, मुझे हाईफाई नहीं दे सकता, ये क्या बात हुई? सुनो हाईफाई, इधर आओ। मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं भी किसी हाईफाई से शादी करूंगा, जस्ट लाइक रानी। डरना नहीं, मैं सलमान की तरह प्रपोज करूंगा तुम्हें। बजाओ। अय्या आपसे ही पूछते हैं, क्या आप इनसे शादी करेंगी? बहुत ही ज्यादा वाकड़ा परफॉर्मेंस आई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि y'all are just outstanding. I was, in fact, I put my hand up to say this, that what a comeback. Oh God! Mohit, VIP sir, Kiku, all of you guys were absolutely fabulous. Yeah. Thank you sir. Thank you. Archana, इस अच्छे स्क्रिप्ट के साथ आप तीनों ने जो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके लिए I want to say welcome back to the contest. Oh, thank you. Dil se khushi hui. Please welcome Hazir Jawabi MD Ajoobe Kapil as Daroga Shamsher, Sargun as Kanya, or hamara new talent Mubin as various characters. Hello. हाँ जी, शमशेर बोल रहा हूँ। एक सेकंड, इससे आवाज नहीं क्लियर आ रही, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी है, होटल से बोल रहे हैं ना जी। 300 लोगों का खाना अरेंज करना है। जी जी, कितना? 600 रुपये पर प्लेट। ओके, एक काम करें आप, एक ही प्लेट में बार बार डाल कर लेके देना। नहीं यार, हमारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी, पैसे नहीं होता। क्या बात कर रही हो यार, मैंने कल एक शादी में देखा, अर्चना की प्लेट में वेटर खा रहा था। अच्छा, प्लेट वेटर की थी? नहीं पता चलता, एक्चुअली दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने थे, वेटर वाले। हाँ। ओ रानी, मैंने कितनी बार कहा अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा, तुम ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो। ऊपर से तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे इसकी वैन के पास नहीं जाने दे रहे थे, पर मैं भी डरा नहीं, डटा रहा मैं। मुझे दो मुक्के मारे लेकिन डरा नहीं मैं, सीधा बेहोश हुआ मैं। What the hell? What do you mean? तुम्हें क्या लगता था रानी, मुझे पता है आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर दोगे तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? What do you think? अभी कल ही मुझे कटरीना का फोन आया था, कहती मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा होल्ड करो, मैंने कहा सलमान भाई आपका फोन होता है। एक्चुअली आपको मैं बात बताऊं, हमारा 8 साल अफेयर चला है, शादी नहीं हो पाई, हम लोग करने वाले थे लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी। अब क्योंकि मेरी बीवी चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। घोड़े से लेकर डीजे तक सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, आज बस कोई लड़की फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। वाह वाह, फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं। जल्दी जल्दी आओ, उन्हें जाना है। आहा, माफ करना जजमान, आने में थोड़ी देर हो गई। तो जल्दी आता तो कौन सा तू रानी मुखर्जी लेके आता बे? नहीं जजमान, इस बार लड़की बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ। क्यों? लाखों में एक है। क्यों, इसके क्या 4 दिन बाद मुझे निकलाती है? ये वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। किस तरह की टैलेंटेड है? सिंगिंग, जूडो, कराटे, डांसिंग, वांसिंग सब कर लेती है। देखो मेरे को बीवी चाहिए, अजय देवगन नहीं। सुनो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मटको। मटकी? ये दही हांडी वाले दिन बाहर ना निकलना, कोई मुंह में दही भर के ना तेरे, पत्थर मार के फोड़ देगा मटकी कोई। जजमान आप इस लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है? क्या कमी है मेरे में? एक ही कमी ना, एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है, दूसरे में 6 नंबर का। लेकिन नहीं सिर्फ हमें पता, दूसरे को थोड़ी ना पता। वो भी मैं 6 नंबर वाले को उल्टा करके पहन लेता हूँ, लोगों को लगता है 9 नंबर है। पैदा ये लड़की मेरे को कोई ठीक नहीं लग रही। अरे जजमान बहुत बढ़िया लड़की है, अमीर खानदान की है। अमीर खानदान की? तो अब तक शादी क्यों नहीं इसकी? वो क्या है, थोड़ी सी मांगलिक है। किस तरफ से? जजमान मांगलिक है, कोई दीमक नहीं लगी हुई है किस तरफ से। हाँ क्या है कि गलत ग्रह में पैदा हो गई थी। गलत ग्रह में पैदा हुई थी?
तो सही ग्रह में पैदा होते तब कौन सा शाहरुख से शादी होती इसकी? अभी इसको मेरे जैसे मिलता। बेटी तुम्हें ये आदमी पसंद है? जी मुझे पसंद है। और आदमी तुम्हें ये बेटी पसंद है? उसको बेटी बेटी बोल रहे, मुझे आदमी, मेरी छाती के बाल देख लिए तूने साले? थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। पसंद पसंद तो वैसे ठीक है, लेकिन मैं काम चला लूंगा। काम चला लूंगा के क्या मतलब है? मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल थोड़ा ना जो चला लोगे। 6 एपिसोड देखे मैंने, मोटरसाइकिल तेरे से ज्यादा एवरेज देती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त है कि दहेज के मैं सख्त साथ हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे परिवार वाले तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। वो तो जिन्होंने देना होता वो तो खिलाफ होते ही हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो लड़की अगर बगाने घर जाती है शादी करके, कुछ ना कुछ लेके जाएगी तो ऐसे अच्छा ही लगता है कि नहीं? अब देखो इसके माँ बाप इसको अगर फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी तो यही पिएगी ना। मेरा क्या है, मैं तो बीयर ही ठंडी करूंगा, मेरा क्या है? अगर ये कल को टीवी लेकर आती है तो सीरियल तो यही देखेगी ना, मेरा क्या? मैं तो थका रहा, रात को जाके 5 मिनट एफ टीवी देखना, मैंने सो जाना है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अब मेरी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी मैम उसके माँ बाप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो हमें दहेज का कोई लालच नहीं है, लड़की 2 कपड़ों में चाहिए, कमीने बेवकूफ लोग बिकनी में भेज दी लड़की। तो इसलिए कुछ दहेज में जरूरी होता है। हाँ जजमान समझ गया। वैसे आपको क्या क्या चाहिए? तुम ही बोलते जा रहे हो कि नहीं बोल रही? वो क्या थोड़ी शर्मीली है। शर्मीली इसलिए कोई नहीं है, रानी मुखर्जी के सामने फंबल ना हो जाए इसलिए चुप बैठी हुई है। जजमान ऐसी बात नहीं, लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है, केमिस्ट की दुकान में जाकर खांसी की दवाई ले आती है। तो इसको कॉन्फिडेंस नहीं कफ कहते हैं, बेवकूफ आदमी। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर में कौन कौन है मटकी? मम्मी पापा और 17 भाई बहन। यूबे पंडित तू तो कहते थे केमिस्ट जाके दवाई लेके आती है। 17 भाई बहन सुन के तो लग रहा है मुझे पूरे जिले में कोई केमिस्ट नहीं इनके। ओह माय गॉड। जजमान वैसे ऐसी बात नहीं है, ये बताइए कि आप शादी में मतलब आप बारात की शादी बारात की तैयारी हो गई? सोच लो क्या बोलना है, आराम से बोलो, इसमें क्या है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तो जजमान कब करनी है शादी? देखो आज तो मेरे बड़े दूर के चाचा जी की डेथ हुई है, तो अभी तो नहीं, शाम को कर लें। इतनी जल्दी? मेरे परिवार वालों को भी तो शादी की तैयारियां करनी है। काहे की तैयारियां करनी है? भूखे नंगे लोग दहेज तो दे नहीं रहे, काहे की तैयारियां करनी है? तुम एक काम करो बेटा, तैयारी करो, मैं बारात में आ जाऊंगा। तू क्या आएगा बारात में? पहले 2 लोग ज्यादा है तो तू क्यों आएगा बारात में? 2 लोगों से याद आया, सुनो हम हनीमून कहां मनाएंगे? जहां आप कहेंगे। किचन में? किचन में नहीं, मेरा बेड किचन में लगा, मेरे पास 1 KK फ्लैट है। नहीं मुझे किसी हिल स्टेशन जाने। कश्मीर चले? हाँ कश्मीर। यजमान आप मुझे बारात में तो लेकर नहीं जा रहे, मुझे हनीमून में लेके चलिए, मैं भी कश्मीर देख लूंगा। मुझे सब पता तेरी हरतों से, कश्मीर जाके तू कन्याकुमारी देखने वाला है। निकल जा यहाँ से, चलो। हाँ ठीक है यजमान, जा रहा हूँ मैं, ये लो। ठीक है, इसमें मंत्र मैंने पढ़ के डाल दिए हैं, आप बाद में पढ़ लेना। पेन ड्राइव में मंत्र क्यों, तू नहीं पढ़ेगा वहाँ पे? अब सारी स्क्रिप्ट तो आप ही पढ़ लेते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कितने गुंडों को पकड़ा है? मैंने बस कभी गिनती नहीं की। क्यों? अब एक आदमी की क्या गिनती करें? वो भी जो मुक्का मार के निकल गया मेरे को, एक आदमी क्या गिनती करनी। अच्छा आप एक बात बताइए जी, आपको कहीं कोई बुरी बुरी लत वत तो नहीं है ना? बुरी लत छूट जाए इसीलिए तो शादी करना। मतलब? मेरा मतलब मैं पता नहीं कमजोरी की वजह से लड़कियां छिड़ जाती हैं, मैं लड़कियां छिड़ जाती हैं मेरे से। बात तो सुनो इधर 2 मिनट, ये जो गया लड़का और कितना टाइम लगाएगा आने में? मुझे क्या पता। मेरी बंदूक किधर गिर गई? ए दूर हो जा मेरी गर्लफ्रेंड से। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्यों तुम्हारा भी है? ये तो बहुत बड़ा बदमाश चिंटू है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम इस बदमाश के साथ फंसी हुई हो। ये तो अपुन की साजिश थी, आज अपुन तेरे को इधर ही ठोक डालेगा। ए तेरे को शर्म नहीं आती निहत्थे आदमी व्यवहार करता है? अबे तेरे पास तो बंदूक है ना, तो ये ले। थैंक गॉड डार्लिंग तुम आ गए, पता है कब से मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं इसको इधर ही ठोक डालूंगा। एक मिनट आ जा, मर गई। ये तुमने क्या किया? इधर कुर्सी पे आ गिरो, ड्रेस खराब करोगी। इधर आओ। ये तुमने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी तुमने। अरे भाई एक अच्छा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बहुत बन जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात है, ये दे ताली, इधर दे ताली मेरा। ये भाई ये क्या किया? मेरे भाई एक्ट अच्छा होना चाहिए, पार्टनर बड़े मिलते रहते हैं बदलते रहते हैं। तो अभी आप लोग नंबर देंगे आपको। अर्चना कपिलिज्म के बारे में आज क्या कहेंगे आप? कपिल जैसा कि बरखा ने कहा, कपिलिज्म से भरपूर आपका एक्ट होता है। आई नो राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ है आपके एक्ट्स में, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज इरिप्लेसेबल एंड प्राइसलेस, दैट इज वाई यू आर कपिल। थैंक यू मैम। सोहेल वेरी इंटेलिजेंट एक्ट एंड नेवरदलेस कपिल यू आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सोहेल भाई।
चलिए अब मीनाक्षी से पूछते हैं। रानी एक रिक्वेस्ट है, आप रानी के जैसे नहीं मीनाक्षी बनकर कमेंट्स दे सकती हैं। बहुत ही वाकड़ा परफॉर्मेंस था। मैंने इतना एंजॉय किया है, मैं अभी अर्चना और सोहेल से कह रही थी कि मुझे पहले कॉमेडी सर्कस से कभी भी न्योता नहीं आया। और ये मेरी पहली बार मतलब मैं यहाँ आई हूँ और मैंने इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है, बिकॉज इट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन यू नो टेलीविजन। मैं यही कहूँगी कि आप मीनाक्षी को देखने आइएगा, 12 अक्टूबर मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, और शायद अगर मैं आप लोगों को हंसा सकूं, आई थिंक इट विल बी समथिंग ग्रेट फॉर मी टू। स्कोर्स हो जाए, सोहेल विल स्टार्ट विद यू, गुड टू गो फॉर 9। थैंक यू अर्चना।